आप देख रहे हैं टेक विद शहजाद। रियलमी C15 पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया गया है और पाकिस्तान में जो वर्जन लॉन्च किया गया है वो स्नैपड्रैगन चिपसेट के साथ है। आपको ये वाला फ़ोन परचेज़ करना चाहिए या नहीं, और मेरा इस फ़ोन के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये मैं पहले आपको इसके फीचर्स ज़रा बता दूँ, फिर आपको बताऊँगा कि आपको ये वाला फ़ोन परचेज़ करना चाहिए या नहीं। ऑफिशियल रिटेल प्राइस इसकी 25,000 रुपीज़। दो कलर्स में लॉन्च किया गया है, सीगल सिल्वर और मैरिन ब्लू। 6000 mAh की बैटरी है, 18 W का क्विक चार्ज है और माइक्रो USB 2.0 कनेक्टर है। रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉकिंग, स्नैपड्रैगन 460 चिपसेट है, 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज है, 6.5 इंच का HD+ मिनी ड्रॉप स्क्रीन है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है, 13 MP का क्वाड कैमरा सेटअप है, 13+8+2+2 और 8 MP का सेल्फी कैमरा है, ड्यूल नैनो सिम है और मेमोरी कार्ड स्लॉट भी है डेडिकेटेड। 9.8 mm इसकी थिकनेस है और 209 ग्राम इसका वेट है। लाइट प्रॉक्सिमिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, एक्सेलरेशन सेंसर इसमें मिल जाते हैं। 3.5 mm ऑडियो जैक लगा सकते हैं और एंड्रॉयड 10 के साथ है ये वाला फ़ोन। दोस्तों मार्केट में इसको आप परचेज कर सकते हैं 22,000 रुपीज़ तक, बॉटम प्राइस है। ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केट में आपको ये मिल जाएगा। अगर मैं इस फ़ोन को, जो अदर ब्रांड्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, तकरीबन 7-8 ब्रांड्स का हैं मार्केट में है पाकिस्तान में, जो के फ़ोन्स बेच रहे हैं और अच्छे फ़ोन्स बना रहे हैं, उनके साथ अगर कंपेयर करूं तो उनके पास कौन से ऐसे फ़ोन्स हैं जिनको रियलमी C15 के साथ कंपेयर किया जा सकता है। शाओमी रेडमी 9 3 GB वाला और 4 GB वाला, नोकिया 3.4 464, सैमसंग M11 3 32, ओप्पो A12 464, वीवो Y20 464, इन्फिनिक्स हॉट 10 6128, टेक्नो कैमन 16SE 6128। अगर इन तमाम स्मार्टफोन्स को जो मैंने बताए हैं अगर कंपेयर किया जाए कि इन तमाम में से 7 या 8 ब्रांड में से कौन सा बेस्ट फोन है अंडर 25,000 रुपीज़, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा रेडमी 9, शॉमी का रेडमी 9 3 GB वाला भी रियलमी C15 के 4 GB से ज़्यादा बेहतर आपको परफॉर्मेंस देगा और अच्छा स्मार्टफोन है, FHD+ है और चार्जिंग भी अच्छी है और डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। इन तमाम फोन्स में 7-8 ब्रांड में से मैं आपको रेडमी 9 रिकमेंड करता हूँ। दोस्तों अगर रियलमी C15 की प्राइस 17,000 रुपये की रेंज में आ जाता है फ़ोन, तो फिर ये सेल होगा, अदरवाइज इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। 25,000 रुपीज़ इसकी प्राइस है और 22,000 रुपीज़ तक मैक्सिमम आपको मिल जाता है, और इस प्राइस में बहुत से अदर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, तो मैं बिल्कुल भी आपको ये वाला फ़ोन रेकमेंड नहीं करूँगा। इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, एक तो ये हैवी फ़ोन है 6000 mAh की बैटरी होने की वजह से, और इसका डिस्प्ले जो है HD+ है, नॉट FHD+, और इसमें चार्जिंग स्लॉट जो है वो भी ओल्ड है, 2.0 माइक्रो USB कनेक्टर दिया गया है, जबकि अब टाइप सी मिल जाता है इसी प्राइस में। और इसके अलावा इसमें ओल्ड डिज़ाइन दिया गया है, प्लास्टिक बॉडी है। इसके अलावा इसके जो चिपसेट है वो भी इतना अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू रेडमी 9। तो इन तमाम स्पेक्स को देखते हुए, इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं बिल्कुल भी ये वाला फ़ोन रेकमेंड नहीं करूँगा। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ बढ़ते हैं।